नमस्कार। आज हम कवर करने जा रहे हैं मटेरियल मूवमेंट का टॉपिक। तो आज ये मटेरियल मूवमेंट होता क्या है, हर एक कंपनी में देखेंगे, सॉफ्टवेयर हो, आईटी कंपनी हो, कुछ भी हो, तो उसमें मटेरियल मूवमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, तो हर एक आने जाने वाला मटेरियल मूवमेंट का जब एक रजिस्टर में पूरा विवरण होता है तो उसको मटेरियल मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों। और उसको रजिस्टर में एक पूरी तरह से हिफाजत से लेकर जगह और फाइलिंग करके रखा जाता है दोस्तों। तो मटेरियल मूवमेंट होता क्या है, आप तक अपने मेरे चैनल को आप न्यू है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपको कुछ है तो मेरे को कमेंट भी कीजिए दोस्तों, तो ताकि मैं आपको पूरी तरह से डिटेल्स दे सकूं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आप फिलहाल देखते हैं हम मटेरियल मूवमेंट होता क्या है। तो ये मटेरियल मूवमेंट होता क्या है, जो भी कंपनी में आने वाली चीजें हो या बाहर जाने वाली चीजें हो तो उसको एक पर्टिकुलर गेट पास बनता है, रजिस्टर्स होता है, तो इस तरह से मटेरियल मूवमेंट होता है। तो एक मटेरियल मूवमेंट देखो, इनवर्ड मटेरियल मूवमेंट बोलते किसको है दोस्तों, जो भी मटेरियल अपने बाहर से कंपनी में आता है तो वो इनवर्ड रजिस्टर में एंटर होता है, तो उसको इनवर्ड मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर बोलते हैं। तो उस रजिस्टर में जो बाहर से आने वाला मटेरियल है, चाहे वो मिल्क हो या कुछ भी, सिगर हो, पेपर हो, कंप्यूटर्स हो, जो भी है मटेरियल मूवमेंट, जो भी इनवर्ड आता है तो उसको इनवर्ड मटेरियल मूवमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो इनवर्ड में आप देखेंगे तो उसके लिए डीसी रहता है या तो टैक्स इनवॉइस रहता है दोस्तों। डीसी और टैक्स इनवॉइस के द्वारा उसको वेरीफाई करके वही उतना क्वांटिटी आया है क्या, और चेक करके उसके ऊपर मटेरियल मूवमेंट का स्टैंप लगा के, जो डेट है, टाइम है, और रजिस्टर का सीरियल नंबर डाल के उस इनवॉइस में वो मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर, इनवर्ड मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर उसमें इनवर्ड किया जाता है दोस्तों। तो उसमें इनवर्ड मटेरियल मूवमेंट में रिटनेबल और नॉन रिटनेबल ऐसे भी सब दो टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो इनवर्ड रिटनेबल क्या बोलते हैं दोस्तों, जो मटेरियल आने वाला है कंपनी में लेकिन वो फिर वापिस जाने वाला है। देखो, कोई कोई कैसा होता है, कंपनी अपने रेंट पे कुछ लेके आती है, एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए यूज करते हैं और बाद में उसका रेंट है चुका के वो वापिस जाता है उस जो भी सर्विस सेंटर से लाए, तो उसको रिटनेबल मटेरियल बोलते हैं। और जो भी नॉन रिटनेबल मटेरियल है, जो भी मटेरियल आता है कंपनी में यूज किया होता है वो रिटर्न नहीं जाता दोस्तों, यानी कि जो भी खाने की चीजें हो, पेपर्स हो, कुछ भी हो, तो यूज होता है लेकिन वो दोबारा वापिस नहीं जाता, तो उसमें नॉन रिटनेबल में एंट्री होता है दोस्तों। तो ये इनवर्ड के दो सब टाइप होते हैं, रिटनेबल और नॉन रिटनेबल दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट जो टाइप है वो है आउटवर्ड मटेरियल मूवमेंट दोस्तों। तो आउटवर्ड मटेरियल मूवमेंट होता क्या है दोस्तों, जो आपके कंपनी से बाहर जाने वाला है मटेरियल तो उसको आउटवर्ड बोलते हैं दोस्तों। तो आउटवर्ड मटेरियल मूवमेंट में भी दो सब टाइप्स आते हैं, एक रिटनेबल और एक नॉन रिटनेबल दोस्तों। जो भी मटेरियल आपकी कंपनी से बाहर जाके वापिस आने वाला है दोस्तों उसको आउटवर्ड रिटनेबल बोलते हैं दोस्तों। तो जो भी कंपनी में बाहर जाने वाला है, जो भी मटेरियल है उसको रिपेयरिंग करना है दोस्तों, कुछ कंप्यूटर्स खराब हो गए वो सर्विस सेंटर में देना है, कुछ अदर मटेरियल है वो डैमेज हो गया उसको रिपेयर करके लाना है, तो उसके लिए आउटवर्ड रिटनेबल गेट पास बनता है दोस्तों, और उसका आउटवर्ड रिटनेबल रजिस्टर में इनवर्ड होता है दोस्तों। तो उसके बाद में वो जो भी बाहर जाता है तो उसका एक रिटर्न डेट होता है, तो उस रिटर्न डेट भी मेंशन किया जाता है दोस्तों, वो रजिस्टर में आउटवर्ड रिटनेबल में एंट्री किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में तो सेकंड सब टाइप्स है, तो नॉन रिटनेबल, आउटवर्ड और नॉन रिटनेबल, यानी कि दोस्तों देखो, अपनी कंपनी में स्क्रैप मटेरियल होता है और भी जो कुछ डैमेज चीजें होती है, जो कि एक बार उसको पूरा वेस्ट है वो मटेरियल, वो बाहर जा रहा है लेकिन वो वापिस नहीं आने वाला है दोस्तों, उस मटेरियल का एंट्री आउटवर्ड नॉट रिटनेबल में किया जाता है दोस्तों, उसके लिए भी आउटवर्ड नॉट रिटनेबल का गेट पास बनता है दोस्तों। तो ये थोड़ा देखा आपने मटेरियल मूवमेंट क्या होता है, और जो मटेरियल मूवमेंट में गेट पास भी जरूरी है, उसमें टैक्स इनवॉइस आता है, डिलीवरी चलन आता है, तो ये जो मटेरियल मूवमेंट के दो मेनली टाइप्स है वो देखे, उसके सब टाइप्स देखे हमने। तो दोस्तों, अभी मेरे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाले मेरे वीडियोस देखा कीजिए, और मेरे को जो भी आपको अगर उसमें समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए मेरे को, उस ताकि मैं आपको पूरा डीपली नॉलेज दे सकूं। जय हिंद दोस्तों।